हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद कराने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, समष्टिगत अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। उत्तर है, समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था का व्यापक और विहंगम रूप से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समष्टिगत अर्थशास्त्र समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सामान्य कीमत स्तर, कुल जनसंख्या, मुद्रा की कुल पूर्ति आदि से संबंधित है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों एवं औसतों की प्रकृति, संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन है।